प्यारे बच्चे चलिए आते हैं हम लोग फिर से नाइन्थ क्लास सीबीएसई के लिए साइंस की क्लास को पढ़ते हैं। नाइन्थ क्लास सीबीएसई बोर्ड के लिए इंग्लिश मीडियम में एनसीईआरटी बुक को फॉलो करते हुए हम लोग साइंस की क्लास को पढ़ते हैं। जैसा कि आप जानते हैं पिछले क्लास में हम लोग मोशन के बारे में पढ़ रहे थे फिजिक्स वाले सेक्शन में, तो हम लोग मोशन के बारे में पढ़ रहे थे कि मोस्ट मोशन आर कॉम्प्लेक्स, यानी बहुत सारे मोशन जो होते हैं बहुत सारे कॉम्प्लेक्स तरीके से भी होते हैं, जिसमें नाम है स्ट्रेट लाइन मोशन या फिर वेब्रेटिंग मोशन, सर्कुलर मोशन, अलग अलग तरह की मोशन के बारे में हम लोग कल पढ़े थे सीखे थे। चलिए अब उसी के बारे में हम लोग थोड़ा सा डीपली नॉलेज लेते हैं। तो अब हम लोग टॉपिक बनाएंगे मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन। टॉपिक बनाएंगे मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन यानी कि स्ट्रेट लाइन में मोशन क्या होता है, तो उसके बारे में कुछ बात पहले हम लोग लिख लेंगे फिर हम लोग चीजों को समझेंगे। तो लिखा जाए, बोल रहे हैं द ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स, द ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स इट्स जर्नी। जर्नी का स्पेलिंग जे यू आर, जे यू आर, जे ओ यू आर एन ई वाई, जे ओ यू आर एन ई वाई जर्नी फ्रॉम 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 इनिशियल पॉइंट ब्रैकेट में जीरो, इनिशियल पॉइंट करने के बाद ब्रैकेट में जीरो इज ट्रीटेड एज, ट्रीटेड इज ट्रीटेड टी आर ई ए टी ई डी ट्रीटेड एज इट्स रिफरेंस पॉइंट, एज इट रिफरेंस पॉइंट। रिफरेंस पॉइंट का मतलब आर ई एफ ई आर ई एन सी रिफरेंस पॉइंट। चलिए बच्चों अब हम लोग समझते हैं कि मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन क्या है। तो मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन ये बोलता है कि कोई भी बॉडी हो वो जब भी चलना प्रारंभ करेगा तो इनिशियल पॉइंट से स्टार्ट करेगा, उसको जीरो पॉइंट भी बोला जाता है। यानी कि कोई भी वस्तु जब किसी पॉइंट से चलना प्रारंभ करता है तब उसको जीरो पॉइंट माना जाता है। प्यारे बच्चों उसको कितना पॉइंट माना जाता है, जीरो पॉइंट माना जाता है। यानी कि अगर हम यहां से चलना प्रारंभ किए तो यहां तक अगर आए तो हम जहां से चले वो हो गया जीरो, और जितना चले स्ट्रेट लाइन में वो कहलाएगा स्ट्रेट लाइन मोशन। यानी कि जरा एग्जांपल्स के तौर पे कुछ हम लोग देखते हैं। मान लिया कि एक बॉडी है या फिर एक पर्सन है, एक व्यक्ति है, एक लड़का है, जो एक सीधे रास्ते पर, एक सीधा रास्ता है और इस सीधे रास्ते पे वो चलना शुरू करता है, दौड़ना शुरू करता है, स्टार्ट करता है मोशन। अब जैसे ही वो स्टार्ट करता है तो सब पे थोड़ा सा मार्क्स दे देते हैं। जैसे मान लिया कि यहां है जीरो, यहां है एक, या फिर दस दस का डिस्टेंस ले लेते हैं, तीस चालीस पचास साठ सत्तर अस्सी नब्बे, एक रास्ता है जिसपे मार्क्स लिखा हुआ है, मार्क पॉइंट लिखा हुआ है कि कौन कितना कितना का वैल्यू है। अब जरा एक पर्सन जो है स्टार्ट करता है अपना मोशन, एक पर्सन एक मोशन को स्टार्ट करता है। अब वो मोशन जैसे ही स्टार्ट करता है, याद रहे ये डिस्टेंस जो है वो इन किलोमीटर दिया हुआ है, कितने किलो कितने कितने किलोमीटर पे ये है, टेन टेन किलोमीटर पे है, टेन ट्वेंटी थर्टी फोर्टी इस तरीके का दिया हुआ है। अब मान लिया कि यहां पे कोई व्यक्ति है, यहां पे कोई व्यक्ति है, ठीक है, अब ये चलना शुरू करता है, चलना शुरू करता है कहां से, टेन से। प्यारे बच्चों
टेन से शुरू करता है, चलते 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 40 पे आकर रुक जाता है, 40 पे आकर रुक जाता है और यहां पे रुक कर वो विश्राम करने लगता है, यानी कि आराम करने लगता है। ठीक है, तब अगर हमसे पूछा जाएगा कि ये स्ट्रेट लाइन मोशन कितना का किया, ठीक है, तो हम अभी क्या बोले कि जिस पॉइंट से कोई भी पर्सन, कोई भी गर्ल्स, कोई भी बॉयज, कोई भी पार्टिकल्स चलना शुरू करता है तो वो पॉइंट को जीरो माना जाता है। तो अब हमें जो रास्ता पे मार्क्स दिया हुआ था प्यारे बच्चों, वो 10-10 के डिस्टेंस पे दिया हुआ था, उसी तरीके से जीरो से यहां चलता, जीरो से चलता 40 तक पहुंचता, तब हम बोल देते कि 40 किलोमीटर ये डिस्टेंस तय किया है। परंतु ये बॉडी या ये मैन 10 से लेकर 40 तक आया, तो 10 से जब 40 तक गया प्यारे बच्चों, तो अब इसको हम बोलेंगे कि जहां से चला अब ये हो गया कितना, जीरो। समझ में आ रहा है? तो अब हो गया जीरो, तो आगे कितना होगा, अब उसके लिए आगे 10 होगा, फिर 20 होगा, फिर 30 होगा, यानी कि अब हम बोलेंगे कि ये जो पर्सन है उसके लिए ये कितना डिस्टेंस हो गया, तो 30 किलोमीटर ये डिस्टेंस तय किया है। ठीक है, तो मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन का मतलब ये हुआ प्यारे बच्चों कि जिस पॉइंट से कोई भी पार्टिकल, कोई भी बॉडी अगर चलना प्रारंभ करता है तो वो उसके लिए क्या होता है, स्टार्टिंग पॉइंट होता है, उसको जीरो मापा जाता है। या इसके लिए एक और रूल है, सेकेंड मेथड भी है। सेकेंड मेथड ये बोलता है कि अगर आपको डिस्टेंस निकालना है, तो फाइनल माइनस इनिशियल कीजिए। फाइनल माइनस इनिशियल का मतलब प्यारे बच्चों कहां तक, लास्ट तक गया है वो 40 तक, तो 40 किलोमीटर माइनस इनिशियल का मतलब कहां से चलना शुरू किया, 10 से चलना शुरू किया, तो 10 किलोमीटर घटा देंगे, तो 40 में से 10 गया 30 किलोमीटर। तो आपको जो मेथड्स पसंद है आप उससे डिस्टेंस निकाल सकते हैं। अगर मान लिया कि यही पर्सन 50 से शुरू होकर 90 तक रुकता, यही लड़का या यही व्यक्ति 50 से शुरू होता और कहां तक जाता, 90 तक, तो 50 को हम लोग जीरो मानते, 60 हो जाता 10, 70 हो जाता 20, 80 हो जाता 30 और 90 हो जाता 40। तो हम बोलते कि जो व्यक्ति 50 से अगर 90 गया है वो 40 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। या फिर सेकेंड मेथड बोलता है कि जब 50 और 90 के बीच में जो डिस्टेंस निकालना है, फाइनल माइनस इनिशियल करो। फाइनल अगर 90 पे है तो 90 किलोमीटर माइनस इनिशियल अगर 50 है तो 50 माइनस कर दो, तो 90 में से अगर 50 गया प्यारे बच्चों तो कितना बचेगा, 40। तो कहने का मतलब मेरा यह है कि मोशन जो होती है स्ट्रेट लाइन में वो एक डिस्टेंस को बतलाता है, जो जहां से चलता है उसको जीरो मानकर काउंट किया जाता है, या फिर फाइनल माइनस इनिशियल से भी हम लोग कर सकते हैं। तो जो अभी चीज लिखे हैं उसको एग्जांपल में ये वाला चीज को डाल देना है, एग्जांपल में इस फिगर को भी बना लेना है। चलिए अब उसके आगे जरा समझते हैं कि क्या होता है। अच्छा एक और बात है, इसमें एक और चीज छूट रहा है, जरा उसको भी बता देते हैं। ये हो गया, मतलब इसको नोट कर लेना है। इसको नोट करने के बाद जरा एक और एग्जांपल के तौर पे लिखते हैं। मान लिया फिर से एग्जांपल, एक अब की बार एग्जांपल बहुत अच्छा आ रहा है, वो एग्जांपल को समझिएगा। एक स्ट्रेट लाइन मोशन है, एक स्ट्रेट पाथ है, एक स्ट्रेट रास्ता है, सीधा रास्ता है। अब की बार जो मार्क्स किया हुआ है वो ऐसा किया हुआ है, 0, 25, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 225। ठीक है,
तो ये एक स्ट्रेट पाथ है और जिस पे मार्क्स किया हुआ है। अब क्या करता है एक व्यक्ति वो समझिए। अब एक व्यक्ति जो है यहां से चलना शुरू करता है, यहां से शुरू किया, गया 150 पे, ठीक है, 150 के बाद पुनः आया 75 पे। देख पा रहे होंगे एरो, यहां से गया और यहां मुड़ा, 75 पे आया और फिर 75 पे मुड़ने के बाद 75 से फिर इधर मुड़ा और अब की बार यहां पे। देखिए अगर ऐसा कभी भी सवाल आए, ऐसा सवाल कभी भी आए कि एक व्यक्ति जो है 50 से 150 पर गया, फिर 150 से 75 पे आया और फिर 75 से 175 पे जाके रुक गया, ध्यान से समझिएगा, तब हमको बोलेगा कि डिस्टेंस आप निकाल के दिखाओ, डिस्टेंस कितना होगा। तो अगर ऐसा सवाल रहेगा प्यारे बच्चों कि 50 से स्टार्ट हुआ, 150 गया, 150 से फिर मुड़ा 75 पे गया, फिर मुड़ा 175 पे गया, तो आप डायरेक्ट करेंगे कि फाइनल माइनस इनिशियल, यानी कि जहां रुका और जहां से चला उसको घटा लेंगे तो गलत हो जाएगा। क्योंकि डिस्टेंस का मतलब ये हुआ प्यारे बच्चों कि यहां से यहां तक ये दूरी तय किया, फिर यहां से बैक लौटा यहां तक और फिर यहां से आगे बढ़ा, मतलब कि यहां पे तीन गो केस सीधा सीधा रहा। एक 50 से सीधा 150 जोड़िए तो 150 और 50 के बीच में कितना सुर बार में डिस्टेंस तय किया, तो 150 में से 50 घटाइए तो 100 किलोमीटर। अच्छा, फिर जब वो 150 से फिर यहां पे 75 आया तो अब 150 में से 75 घटाइए तो कितना हुआ, 150 में से, यानी कि यहां से 150 से 75, यानी कि बोलिए तो यहां से हमें जो डिस्टेंस कवर्ड हुआ वो कितना हुआ टोटल, तो 150 पर तो था और ये 25-25 का गैप है, या फिर ये बोल सकते हैं कि बड़ा में से छोटा को घटा लीजिए, तो 150 में से 75 गया तो ये कितना बच गया, 75 किलोमीटर। अब जरा अगर बात करते हैं तो तीसरा सिचुएशन में वो 75 से कहां जाता है, 175, तो अब इसके बीच में कितना कितना दूरी, तो 175 में से सिर्फ 75 को घटाएंगे तो यहां पे बचेगा 100 किलोमीटर प्यारे छात्र। तो इस तरीके से डिस्टेंस अगर निकालने के लिए बोलेगा तो हम लोग इस सिचुएशन में लिखेंगे टोटल कवर्ड डिस्टेंस, टोटल कितना कवर्ड डिस्टेंस होगा तो सबको फिर ऐड कर देंगे, 100 किलोमीटर प्लस 75 किलोमीटर प्लस 100 किलोमीटर, तो इस तरीके से जो टोटल कवर्ड होगा 100 और 100 275 किलोमीटर डिस्टेंस टोटल कवर्ड होगा। तो अगर ऐसा सिचुएशन आता है और फिर आपको अगर पूछता है कि टोटल कितना डिस्टेंस कवर्ड होगा तो हम ऐसे ही निकालेंगे, तो प्लीज आप इसको भी नोट कर लीजिए कि एग्जांपल के तौर पे, तो दो एग्जांपल यहां से क्लियर हो गया। अब हम लोग आते हैं डिस्प्लेसमेंट के बारे में, यानी कि इसके बाद का जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है, डिस्प्लेसमेंट, उसका नाम क्या है, डिस्प्लेसमेंट। जरा समझते हैं कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। चलिए तो अब टॉपिक देंगे डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो डिस्प्लेसमेंट के नीचे फर्स्ट एरो देंगे, लिखेंगे द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, द शॉर्टेस्ट, एस एच ओ आर टी ई एस टी,
द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम मेजर्ड एम ई ए एस यू आर ई डी मेजर्ड फ्रॉम द इनिशियल टू द इनिशियल टू द फाइनल पोजिशन टू द फाइनल पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज displacement is known as displacement. प्यारे बच्चों displacement का मतलब क्या होता है? अगर कोई object चलना शुरू करता है और अपने destination तक पहुंचता है, यानी कि जो वस्तु जहां से चलता है और जहां तक पहुंचता है, तो जहां से चला और जहां तक पहुंचा उसके बीच में जो सबसे शॉर्ट डिस्टेंस होगा, यानी कि सबसे छोटा जो दूरी होगा वो क्या कहलाएगा? तो वो कहलाएगा डिस्प्लेसमेंट. वो क्या कहलाएगा प्यारे बच्चों? डिस्प्लेसमेंट कहलाता है. जैसे कि एग्जांपल के तौर पर देखिएगा, मान लिया कि एक व्यक्ति यहां से चलना शुरू करता है, एक व्यक्ति यहां से चलना शुरू करता है, ठीक है, फिर उसके बाद लेफ्ट मुड़ा और यहां तक आके रुक गया, ठीक है, यहां से चला और यहां तक आके रुक गया, तो क्या ये शॉर्ट रास्ता भी हो सकता है इसके लिए? तो जी हाँ, अगर मान लिया वो व्यक्ति यहां से लेकर यहां अगर शॉर्ट चलता तो इसी यही मेरा शॉर्ट रास्ता कहलाता, और यही शॉर्ट रास्ता को हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट. यही डिस्प्लेसमेंट है. यानी कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? तो सबसे शॉर्ट डिस्टेंस को, जो सबसे शॉर्ट हो सकता है, उसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट कह देते हैं. अगर मान लिया, अगला एग्जांपल मान लिया, दूसरा एग्जांपल कि अगर एक व्यक्ति है जो यहां से चलना शुरू करता है और यहां तक आके पहुंचना चाहता है, यानी कि वो स्टार्टिंग कर रहा है यहां और पहुंच रहा है यहां, लेकिन वो चल कैसे कैसे रहा है? तो पहले इधर गया, फिर इधर गया, ऐसे ऐसे रास्ता को दूरी तय करते हुए, क्योंकि वो रोड से जा रहा था, तो रोड ऐसे ऐसे बना हुआ था, तो अपने डिस्टिनेशन तक जहां उसको पहुंचना था वो वहां पहुंच गया. लेकिन क्या ये डिस्प्लेसमेंट हुआ? नहीं, ये तो डिस्टेंस हुआ. डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है सबसे शॉर्ट रास्ता, तो सबसे शॉर्ट रास्ता यही ना हुआ तो इसको बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट, ठीक है. यानी कि जो सबसे शॉर्ट रास्ता होता है वो क्या कहलाता है? डिस्प्लेसमेंट कहलाता है. यानी कि जो सबसे शॉर्ट रास्ता, यानी कि अगर हमको कहीं से भी कहीं तक जाना है, उसके लिए अगर जो छोटा से छोटा वैल्यू हो सकता है उस स्थान तक पहुंचने के लिए, उसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट कहते हैं. अच्छा, एक तीसरा केस है. वो तीसरा केस क्या है समझिए. मान लिया कि वही व्यक्ति यहां से चलता है और यहां तक पहुंचता है, यहां से चलना है, यहां तक पहुंचना है, वो रास्ते से गया है, ऐसे ऐसे रास्ता था, रास्ते से गया और रास्ते से ही वापस लौट गया. रास्ते से गया, फिर वहां पे ठहरा नहीं, फिर तुरंत वापस अपने ही स्थान पे आ गया. तब प्यारे छात्रों, ऐसे सिचुएशन में डिस्प्लेसमेंट का जो वैल्यू होता है वो जीरो होता है, क्योंकि जहां से चला था वहीं पहुंच गया, तो पोजीशन कितना हुआ? जीरो. यानी कि अगर ऐसा सिचुएशन कि कोई व्यक्ति, जैसे मान लिया कि आप हमेशा, अभी लॉकडाउन में तो बाहर ही निकल रहे होंगे, जब लॉकडाउन खुलेगी, यानी कि लॉकडाउन पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी, तो सभी चीजें स्टार्ट हो जाएंगी, मार्केट, स्कूल वगैरह, तो आप घर से स्कूल जाएंगे
और फिर पुनः स्कूल से घर आ जाएंगे। तो अगर ऐसे सिचुएशन में आपका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? जीरो हुआ, ठीक है। यानी कि अगर जिस स्थान से आप चलते हैं और पुनः उसी स्थान पे आप पहुंचते हैं, कभी भी कोई जरूरी नहीं है कि आज गए और कल वापस आ रहे हैं, तो जब आप वापस आ रहे हैं तब उस टाइम डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया। यानी कि किसी टाइम आप घर से निकले और फिर कभी भी लाइफ में अगर फिर वहीं पहुंच गए, तब आपका डिस्प्लेसमेंट कितना प्यारे बच्चों? जीरो। यानी कि जो वस्तु, जो पार्टिकल, जो पर्सन जहां से चलता है और फिर अगर उसी स्थान पर कभी ना कभी पहुंचता है, तब उस टाइम उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होता है? जीरो होता है। चलिए तो नोट में करके इस चीज को लिखा जाए। फिगर तीनों बना दीजिएगा। तीनों फिगर बनाने के बाद एन ओ टी ई नोट में लिखेंगे। वी कंसीडर कंसीडर का स्पेलिंग CONSIDER। वी कंसीडर द ऑब्जेक्ट टू ट्रेवल बैक टू इनिशियल पोजिशन then the displacement is zero। तो प्यारे बच्चों, अभी हम लोग वही नोट में करके वही बात लिखे हैं कि जो व्यक्ति या पर्सन या ऑब्जेक्ट जहां से चलता है फिर बैक अपने ही जगह पे पोजीशन पे वापस आ जाता है, तो इस सिचुएशन में जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो कितनी होती है? वो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाती है। प्यारे बच्चों, तो चलिए यहां तक के हम लोग सीखे कि डिस्प्लेसमेंट क्या है। तो आज के क्लास को यहीं तक एंड कीजिए, क्योंकि अगले दिन हम लोग आने वाले हैं डिस्प्लेसमेंट के इंटरवल को पढ़ने वाले हैं। तो आज की क्लास को यहीं तक समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियोज में, अगले साइंस की क्लास में। धन्यवाद।